हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाने एक्सपेरिमेंट में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं और आपको कुछ नया सिखाने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहां पर एक मोबाइल चार्जर की पीसी भी देख पा रहे हो और इसको हम आज मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां पर ये मोबाइल चार्जर की पीसी भी देख पा रहे हैं, तो इसी तरीके की मेरे पास बहुत सी पीसी भी यहां पर रखी हुई हैं और इसी चार्जर की पीसी भी में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इस तरीके की। जो और जो ये चाइनीज़ में बोली जाती हैं, लेकिन ये चाइनीज़ होती नहीं है एक्चुअली। ये जो इसी तरीके से बनाई जाती है और वो असेंबली कंपोनेंट पर बनाई जाती है। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो इसको, और बैक साइड में देख सकते हो इसमें सिर्फ सिंगल लेयर पीसी भी रहती है और दूसरी साइड में इसमें कोई भी असेंबली कंपोनेंट नहीं रहता है। इसी तरीके से इसमें भी है, कोई भी असेंबली कंपोनेंट नहीं रहेगा। और ये हमारे एक चार्जर है जो ऑप्टोकपलर जो टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है इसमें। तो इस पर भी मैं आपको एक मॉडिफिकेशन का वीडियो बना कर दूंगा। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको इस तरीके की चार्जर होती है, पीसीबी होती है, इसी का मैं मॉडिफिकेशन आपको बताने वाला हूँ। तो 5 वोल्ट से हम 12 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे वही मैं आपको बताऊँगा। देखिए, यहाँ पर एक मेरे पास ये पीसीबी है और यहाँ पर इस तरीके से हैं। देखिए, तो बहुत से हैं इस तरीके से, देखिए ये हैं, ये कंपनी मेड वाले थोड़े हैं, तो ये भी अच्छा वर्क करेंगे। तो आगे चल के मैं इन पे भी वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ। ये हमारा कुछ आगे में फॉल्ट हो गया था, ये तो खैर डेड है, कोई दिक्कत नहीं है, ये रिपेयर हालांकि ये भी हो जाएगा। तो इसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, एक एक करके आपको मिलते जाएंगे। एक यहाँ पर देखिए हमारे पास ये वाला है। तो इस तरीके का चार्जर को हम आसानी से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये वाला है। तो इसमें मैं मॉडिफिकेशन करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें करना क्या होगा, तो मेनली हमें यहाँ पर आपको मैं बता दूँ। देखिए, ये हमारा एक जेनर डायोड लगा हुआ है और एक यहाँ पर एक ये जेनर डायोड के जैसा ही आपको दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, ये जेनर डायोड नहीं है, ये स्मॉल सिग्नल डायोड होता है जो हमारा 4148 जो 4148 बोला जाता है वो होता है, यहाँ पर ये लगा रहता है। देखिए, आपको ध्यान से देखिएगा तो लिखा भी दिख रहा होगा जेनर डायोड के ऊपर में। देखिए, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, इस तरीके से। देखिए, 4148। तो और उसके बाद ये वाला जो है हमारा, ये हमारा जेनर डायोड है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। देखिए, ये हमारा जेनर डायोड है, यहाँ पर देखिए 4148 लिखा हुआ है, क्योंकि ये फ्रेंड्स राउंड सर्कल में बना होता है तो इसी पे इसका लिखा हुआ रहता है। तो इतना आसानी से देख नहीं पाएंगे जब तक इसको हम अनफोल्ड नहीं करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये वाला, ये हमारा जेनर डायोड है। देखिए, यहाँ पर इसमें भी कुछ वोल्टेज लिखी हुई है। तो ये हमारा जेनर डायोड है और इसमें हमें करना क्या होगा, तो यहाँ पर इसमें हम इसको चेंज करेंगे तो हम इसे आसानी से जो है 5 वोल्ट से 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका 9V2 करके जेनर डायोड लगा हुआ है, तो उसमें आप एक और 9V2 का लगा दीजिए। ये आपके पास रखा हुआ है 12 वोल्ट का, तो आप 12 वोल्ट का लगा दीजिए, तो ये 100% आपको आउटपुट में 12 वोल्ट ही देगा। तो यहाँ पर आप अगर नहीं है तो 9 वोल्ट के दो जेनर आप सीरीज में लगा दीजिए, जैसे कि इसका ब्लैक साइड है तो दूसरे वाले का भी ब्लैक साइड निकाल, इस साइड से इसे अनफोल्ड कर दीजिए, इसे डिसोल्ड कर दीजिए, उसका जैसे निकाल दीजिए एक साइड से, और ये वाली जो लेग खाली हो जाएगी उसमें जो आप दूसरा डायोड लगाओगे जेनर डायोड, तो उसका ब्लैक साइड इसमें जोड़ दीजिए और उसका जो जो बगैर मार्क वाला साइड बचेगा वो आप इधर फोल्ड कर दीजिए इस वाली पिन पे, यानी सीरीज में लगा दीजिए, आपको 100% इधर आउटपुट मिल जाएगा। मैंने चेक भी किया है, लेकिन मैं आपको 100% आज प्रूफ के तौर पर और प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा लाइव आपके सामने। और उसके बाद इसे लगाने के बाद फिर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप जो ये कैपेसिटर देख पा रहे हैं आउटपुट का, ये हमारा इनपुट का कैपेसिटर है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये चार डायोड हमारा लगा, ये एसी, ये हॉट एरिया है इधर का, और ये हमारा ट्रांजिस्टर स्विचिंग के लिए रहते हैं इस ट्रांसफार्मर को, ये 5 वोल्ट ट्रांसफार्मर रहता है। और ये हमारा जो है आउटपुट का कैपेसिटर है, यहाँ पर आप देखिए डायोड लगा हुआ है। ये हमारा जो क्या है, ये हमारा रिवर्स करंट को ना खींचे इसलिए लगाया रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांसफार्मर हमारा ये है और ये वाला है। तो यहाँ से देखिए हमारा ट्रैक आ रही है यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ के लिए हमारा डायोड लगा हुआ है। देखिए इस साइड में ये देखिए, यानी पॉजिटिव इधर की तरफ ये बना रहा है, ये रिवर्स करंट उस साइड में जाने नहीं देगा, मतलब वापस नहीं खींचेगा ताकि चार्जर में रिवर्स करंट जाने लगे। और तो ये वाला जो हमारा कैपेसिटर है यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला, तो इसे हमें जो है चेंज कर देना है। और यहाँ पर जो हमारा 470 माइक्रोफेरेड यहाँ पर UF लिखा हुआ है, देखिए, तो और 10 वोल्ट लिखा है, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ चेंज कर देनी है।
इसमें करना क्या है हमें, तो इस कैपेसिटर की जगह पर हमें 16 वोल्ट 470 माइक्रोफेरेड या 220 माइक्रोफेरेड का आप लगा सकते हो। तो अगर इसके आसपास के वैल्यू का आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर सीरीज में दो कैपेसिटर कर दीजिए, जैसे ये 10 वोल्ट का है एक और 10 वोल्ट का कैपेसिटर आप सीरीज में कर दीजिए, एक का प्लस एक का माइनस लगाकर और यहाँ पर सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर होगा क्या कि हमारी कैपेसिटर की वैल्यू सेम रहेगी लेकिन हमारी वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएगी, यानी 10 वोल्ट का ये है और दूसरा भी 10 वोल्ट का होगा, यानी 20 वोल्ट का कैपेसिटर हो जाएगा। लेकिन जो हमारा माइक्रोफेरेड है वो हमारा कितना रहेगा, तो माइक्रोफेरेड जो है हमारा वो टोटल 470 माइक्रोफेरेड ही रहेगा, क्योंकि सीरीज में पावर नहीं बढ़ती है सिर्फ वोल्टेज बढ़ती है। तो इस प्रकार आप लगा सकते हो। तो चलिए अभी मैं आपको एक चार्जर में मॉडिफिकेशन करके दिखाता हूँ। तो मेरे पास ये एक पीसीबी पड़ी हुई है, तो इसी में जो है हम मॉडिफिकेशन करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा 4148 डायोड रहता है, स्मॉल सिग्नल डायोड, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ पहचान कैसे होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें, सॉरी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर मेरा उठा लेता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ये डायोड है, तो इसमें देखिए अभी आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ हमारा नंबर लिखा हुआ है, अभी आपको थोड़ा सा दिखेगा। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इधर से देखिए 4 8 लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 4848 लिखा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए 4848, इसके जस्ट पीछे आपका यहाँ पर लिखा रहेगा 4148। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। कैमरा थोड़ा फ्रेंड्स क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो इस तरीके से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर ये यह हमारे जो है स्मॉल सिग्नल डायोड रहता है, इस प्रकार से आप देख सकते हो। और मैंने अभी आपको दिखा भी दिया थोड़ा पीछे से, थोड़ा नंबर फ्रेंड ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है, आपको अपनी आंखों से ही देखना पड़ेगा, कैमरा में इतना साफ नहीं दिखाई पड़ सकता कि इतना छोटा लिखा हुआ रहता है। और यहाँ पर जिस वेपर में थे, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर इस पर लिखा भी हुआ है 5P1N4148 सिग्नल डायोड, ये जनरल डायोड नहीं रहता है, ये स्मॉल सिग्नल डायोड होता है। तो यहाँ पर मेरे पास रखे हुए, तो मैं इसी में रख देता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से आप 100% श्योर हो सकते हो कि ये हमारा जो है सिग्नल डायोड होता है, जिना डायोड नहीं होता है, जिना डायोड हमारा दूसरा रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब जो हम चार्जर की पीसीबी में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस चार्जर की पीसीबी में मैंने अभी तक कोई भी जो मॉडिफिकेशन नहीं किया है, और इसी में मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जिना डायोड लगा हुआ है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिख भी रहा होगा 9V करके लिखा हुआ है इस पर। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें 9, यहाँ पर आप देख सकते हो 9V, और इसमें 2 करके लिखा हुआ है, पर पूरा नहीं दिखेगा। तो इसी डायोड को हमें क्या करना है, तो इस साइड से यहाँ पर हमें लेग इसकी जो डिसोल्ड कर देनी है और इसे उठा लेना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमारे पास ये एक दूसरा डायोड है, देखिए ये इस पर देखिए लिखा हुआ है 8 फ्रेंड, सॉरी, इस पे लिखा हुआ है 6 वोल्ट, 6V2, यानी 6.2 वोल्ट का ये ओरिजिनल डायोड है। और इसके बाद हमारा देख लेते हैं दूसरा कितने वोल्ट का है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये 3V3, यानी 3.3V3, यानी 3.3 वोल्ट का डायोड है। तो यहाँ पर ये वाला हम लगा कर देखते हैं, तो ये हमारा जो है वर्क करेगा। और लगाना कैसा है, तो मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था, अभी देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए जैसे ये डायोड लगा हुआ है, तो ऐसे ही हमें लगाना है, जिसका जो ब्लैक साइड है वो इसी की लेग के साथ यहाँ पर सोल्ड हो जाएगा इस तरीके से। तो मैं इसे ज़रा अनसोल्ड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने जो है इसे यहाँ पर सोल्ड कर दिया है, और इसके बाद जो है इस डायोड को हमें इस तरीके से यहाँ पर इसमें सोल्ड करना है। सोल्ड करने का तरीका फ्रेंड्स बहुत सिंपल है, आप इसे आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर जो हमारा पीछे से ये वाला डायोड सोल्ड हो गया है, और अब जो है हम ये वाला डायोड इसमें सोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है इस डायोड को सोल्ड कर दिया है। देखिए मैं थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने इसे इस तरीके से सीरीज में सोल्ड कर दिया है,
और अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए हमारा ये कैपेसिटर लगा हुआ है, देखिए 10 वोल्ट, यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि 10 वोल्ट और 470 माइक्रोफैरेड का, तो इसे हमें जो है चेंज कर देना है। और चेंज करने के बाद हमें क्या करना है, तो इसका कैपेसिटर मैं अभी चेंज नहीं किया है, पहले मैं आपको चेंज करके दिखा सकता था, लेकिन ये जो है अब हम ऐसा चेक नहीं कर सकते वरना इसका कैपेसिटर जो है हमारा ब्लास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कैपेसिटर पहले चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने कैपेसिटर निकाल दिया है, और जो मेरे पास जो 16 वोल्ट का कैपेसिटर है, देखिए यहाँ पर ये देखिए 470 16 वोल्ट का, तो इसे हमें लगाना है मार्किंग साइड, देख सकते हो आप दोनों साइड में कैपेसिटर और उसमें। तो यहाँ पर जो है हम इस तरीके से इसे रख लेते हैं और सोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने कैपेसिटर को देखिए सोल्ड कर दिया है। अब हम इसका जो है देखिए यहाँ पर हमने कैपेसिटर सोल्ड कर दिया और यहाँ पर भी हमने डायोड इसमें लगा दिया है। अब हम इसका वोल्टेज टेस्टिंग करते हैं, तो देख लेते हैं ज़रा इसका, अब हम वायर लगा के कि इसमें वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो अभी फ्रेंड्स आप देखिएगा इसमें जो मैं इसका वायर लगाता हूँ जैसे ही, तो यहाँ पर जो है हमारा इसमें पावर आ जाएगी। तो अभी आप देख लीजिएगा इसमें थोड़ा सा, मैं थोड़ा लाइट कम करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे सके। तो यहाँ पर अभी देखिएगा आप, इसमें जो है रेड वाली जो हमारी एलईडी है वो इंडिकेट करेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर जो है हमारी एलईडी ग्लो हो। अब हमें क्या करना है, तो मल्टीमीटर, तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है, तो इसको हम जो है यहाँ पर 20 वोल्ट की रेंज में सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, तो पीसीबी को हम जो है पीछे के साइड रख लेंगे। तो फ्रेंड्स काफ़ी केयरफुली कीजिएगा क्योंकि इसमें 220 वोल्ट हो रही है। तो यहाँ पर जो है हम इसको वायर की सहायता से पीछे पलट लेते हैं। देखिए अभी भी हमारा इंडिकेटर जो है ग्लो हो रहा है। और अब मल्टीमीटर में आप यहाँ पर सो देखिएगा कि हमारा कितने वोल्ट इसमें आ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स अभी हमारा इसमें 9 वोल्ट आ रहा है, यानी अभी हमारा जो है डायोड थोड़ा कम रह गया है। तो यहाँ पर मैं एक डायोड और इसमें सोल्ड कर दूंगा, तब हमारा जो है यहाँ पर इसमें 12 वोल्ट जो आउटपुट हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमारा 9 वोल्ट मिला है, जबकि हमारा पहले 5 वोल्ट था, क्योंकि ये नॉर्मल चार्जर हमारा 5 वोल्ट का ही रहता है। तो अभी इसमें हम जो है एक डायोड और चेंज कर लेते हैं, उसके बाद में अभी हम इसको चेक करते हैं कि इसमें वोल्टेज कितने आ रहे हैं। मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, कोई मैं अपनी पास में ऐसा नहीं बना रहा हूँ कि फेक बना रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से। तो अभी इसमें जो है हम चेक कर लेते हैं ज़रा, और इसमें जो है हम डायोड एक और लगा लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हो मैंने एक डायोड इसमें और सोल्ड कर दिया है, और जो अब जो है हमारा ये 100% जो हमारा 12 वोल्ट आउटपुट करेगा। देखिए एक यहाँ पर लगा है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स इस समय मार्केट बंद चल रही है और आपको आपकी वैल्यू के अनुसार आपको जिन्हें डायोड नहीं मिल सकता है, क्योंकि इस समय जो है लॉकडाउन, करंट लॉकडाउन चल रहा है। तो हमें ऐसे ही जुगाड़ करके काम करना पड़ेगा, और चलेगा, खैर कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि हमें थोड़ा मशक्क़त करनी पड़ती है काम करने के लिए। तो इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए मैंने कैपेसिटर भी चेंज कर दिया, पहले आप देख रहे थे कि मैंने 10 वोल्ट का लगा हुआ था, अब मैंने 16 वोल्ट का यहाँ पर लगा दिया है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। अब इसका जो है हम वोल्टेज टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे रख लेता हूँ और वायर ज़रा लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो इसमें कोई भी इंडिकेटर नहीं जल रहा है, और जैसे ही मैं इसमें आपको वायर लगा रहे हैं देखिए, तब ये हमारा इंडिकेटर जो है ग्लो करने लग रहा है। देखिए यहाँ पर आप जो है देख सकते हो, तो ये हमारा इंडिकेटर इंडिकेट हो रहा है। तो अब जो है इसे हम थोड़ा इधर कर लेते हैं, और अब इसका जो है हम वोल्टेज टेस्टिंग करते हैं कि इसमें वोल्टेज कितना है। देखिए यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है हमारा, और अब जो है हम मल्टीमीटर की सहायता से वोल्टेज इसका टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। तो अब जो है आप अभी देखिएगा यहाँ पर इसमें कितना वोल्ट हमारा आउटपुट हो रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा 14 वोल्ट पूरा जो हमारा आउटपुट हो रहा है, यानी देखिए हमारा 12 वोल्ट के ऊपर जा रहा है, यानी ये हमारा 100% वर्क करेगा। तो मैंने कोई अपने पास से ऐसा नहीं बनाया है, मैं आपको जो भी मैंने किया है वो आपके सामने दिखाया है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, थोड़ा मैं आपको जूम करने की कोशिश दिखा कर करता हूँ। देखिए यहाँ पर मल्टीमीटर मैंने पास में कर लिया है, और यहाँ पर देखिए हमारा 13.99, यानी 14 वोल्ट पूरा हमारा जो है इसमें आउटपुट हो रही है।
और एक बार ज़रा हम करंट चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि इस तरीके से हमारा करंट चेक हो पाएगा या नहीं। तो यहाँ पर हमारा देखिए एलईडी बंद हो जा रहा है, क्योंकि जब इसमें लोड जुड़ेगा तभी जो हमारा करंट इसमें शो होगा। यहाँ पर देखिए ये हमारा बंद हो गया है, यानी ये अभी हमारा हाफ एम्पियर करंट दे रहा है इस कंडीशन में अभी। तो जब हमारा लोड जुड़ेगा तभी हमारा जो है कैपेसिटर, जो हमारा चार्जर की पीसीबी है, ये हमारा 100% लोड लेगी। तो इस तरीके से ये हमारा जो है वर्क करेगा, और यहाँ पर मैंने आपको दिखा भी दिया। तो अब आपको जो है इस तरीके से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, और कोई भी चार्जर को आप 12 वोल्ट बना सकते हो। बस ये है कि आपको इस तरीके से जिन्हें डायोड इसमें चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे पास ये पीसीबी पड़े हुए हैं, तो इस तरीके के आपके पास अगर पड़े हुए हैं तो आप भी इस तरीके से इसमें जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ताकि हमारी जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी वीडियो हैं वो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपके लाइक करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है तो हम काफ़ी थोड़ा मन करता है वीडियो बनाने का, थोड़ा क्रिएटिविटी होती है। तो आप वीडियो करने का, लाइक करने का कोई वीडियो को पैसा नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, आप कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ना ही कोई इसका कोई चार्ज पड़ता है। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपके जो भी सवाल है उसके अनुसार आपका वीडियो को देने की कोशिश करूँगा। और भी अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हो तो वो भी मेरे से पूछ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।